Hello students, aaj hum seekhenge science chapter number 5, food safety. Channel par naye ho to jaldi se subscribe karo aur pass wali bell icon click karo. Playlist ki link upar right side ke corner mein aur is video ke description mein hai. So let's start. बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर से प्राप्त होने वाले फूड की आवश्यकता होती है. व्हीट, ज्वार, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि जैसे न्यूट्रिएंट्स हमें फूड जैसे पदार्थों से प्राप्त होते हैं. परंतु क्या होगा यदि इन खाद्य पदार्थों में कीड़े पड़ जाएं या वो किसी तरह खराब हो जाएं? फूड स्पॉइलेज. फूड स्पॉइलेज वो प्रोसेस है जब कोई फूड प्रोडक्ट कंज्यूमर को खाने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है. इस तरह के प्रोसेस में कई बाहरी कारण हो सकते हैं, जैसे कि फूड को अच्छी तरह से पैक या स्टोर न कर पाना वगैरह वगैरह. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज. कभी कभी फल या उनके छिलके काले पड़ जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आती है. ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते. कभी कभी नेचुरल अवेलेबल फूड को गलत रखने या हैंडलिंग से खराब हो जाते हैं, या जब उन्हें अधिक पकाया जाता है या अनुचित तरीके जैसे नम जगह में स्टोर किया जाता है. कुछ फूड या फल ट्रांसपोर्टेशन में भी खराब हो सकते हैं. ऐसे में फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है. हम जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, चाहे वे एनिमल या प्लांट से प्राप्त हो, वे हमेशा अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो सकते हैं. फूड को खराब तब कहा जाता है जब उनमें कलर, ओडर, टेक्सचर, क्वालिटी, टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. खाद्य पदार्थों में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. उदाहरण के लिए फल काले हो जाते हैं या स्वाद बदल जाता है, मांस खट्टा हो जाता है या मूंगफली बासी हो जाती है. ये सभी चेंजेस फूड के अंदर से होते हैं. अक्सर खेतों में फूड ग्रेन्स विभिन्न कारणों से खराब हो जाते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन आदि. कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मांस और दूध या तो एसिडिक होते हैं या एल्कलाइन. मेटल्स के संपर्क में आने पर केमिकल रिएक्शन के कारण ये खराब हो जाते हैं. कभी कभी आसपास की हवा, पानी या मिट्टी में से कीड़े या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं. फूड वेस्टेज. साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया ने विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मिल्क और यहां तक कि मिल्क के प्रोडक्ट्स में काफी प्रगति की है. फिर भी हमारे देश और पूरी दुनिया में बहुत से लोग भूखमरी की समस्या का सामना करते हैं. कई लोगों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता. इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि जहां कहीं भी फूड की बर्बादी होती है उसे रोके. क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड. फार्मिंग के गलत तरीके जैसे कि हाथों से बीज को बोना, इनएडिक्वेट थ्रेशिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के गलत तरीके, ये कुछ क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड के उदाहरण है. इसके अलावा पारंपरिक दावतों या दावतों में मेहमानों को बहुत अधिक भोजन देने और परोसने की प्रथा के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक भोजन बर्बाद हो जाता है. अगर इसे बर्बाद नहीं किया जाता तो ये सारा खाना कई अन्य लोगों की जरूरत को पूरा कर सकता है. क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड. प्रिजर्वेटिव्स का अत्यधिक उपयोग करना, अधिक खाना बनाना, सब्जियों को काटने के बाद धोना, अंगूर और आम जैसे फलों को गलत तरीके से हैंडल करना और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक समय की गलत कैलकुलेशन करना, ये कुछ क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड के उदाहरण है. फूड की बर्बादी और खराब होने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? खुद को उतना ही परोसे जितना आप खा सकते हैं. ज्यादा खाना पकाने से बचे. बचे हुए खाने को ना फेंके. इसे सही तरीके से दोबारा इस्तेमाल करें. अनाज, सब्जियां, फल, दूध आदि की जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें. अत्यधिक खरीदारी करने के प्रलोभन से बचें.
अनाज और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, दूध आदि को उचित तरीकों से स्टोर करके रखें। बॉटल, कैन, पैक किए गए फूड की एक्सपायरी डेट की जांच करें और उस समय के भीतर उपयोग करें। जितना खाना आपने खुद को परोसा है उतना ही खाएं। इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है ताकि सभी को फूड की सुरक्षा और बर्बादी के बारे में जागृत किया जा सके। फूड प्रोटेक्शन। माइक्रोबियल ग्रोथ और पेस्ट्स के इन्फेस्टेशन से खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने की प्रोसेस को फूड प्रोटेक्शन कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। आंतरिक कारणों से खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करना फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड और ड्रग्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को उनके तरीकों से हैंडल करते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट 2006 के अनुसार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया है। मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। हमने फूड स्टोरेज के विभिन्न तरीकों के बारे में सीखा है, जैसे फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयरटाइट पैकेजिंग आदि। यह विभिन्न तरीके फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं और इस तरह फूड खराब होने से बचता है। फ्रीजिंग। फूड मटेरियल का टेम्परेचर कम करने से बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस धीमी हो जाती है। नतीजन फूड लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहता है, इसलिए किचन में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्मोकिंग। फूड को स्मोक की मदद से प्रिजर्व्ड किया जाता है। इस मेथड में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। मलाथायन को गनी बैग्स पर स्प्रे किया जाता है जिनके अंदर फूड ग्रेन्स होते हैं। इरेडिएशन। इस मेथड में फूड को आयनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेलरेटर्स से निकलते हैं, इनका उपयोग फूड पर किया जाता है। इस प्रोसेस में सारे माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स नष्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में फल जल्दी पकते हैं और इससे उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। धीमी गति से स्प्राउटिंग होने के कारण आलू और प्याज की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र में लासलगांव में प्याज और आलू के लिए, नवी मुंबई में स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के लिए इरेडिएशन प्लांट्स स्थापित किए गए हैं। यूज ऑफ इनर्ट गैस। नाइट्रोजन गैस को पोटैटो वेफर्स और कई फूड प्रोडक्ट्स के एयरटाइट पैकेट्स में भर दिया जाता है ताकि उनमें फंगस और कीड़ों का विकास रुक जाए। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कुछ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे सॉल्ट, शुगर और ऑयल का उपयोग पिकल्स, जैम्स, म्यूरब्बा, पेठा आदि में प्रिजर्वेटिव्स के रूप में किया जाता है। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एसीटिक एसिड, क्रिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट और कुछ नाइट्रेट और नाइट्राइट सॉल्ट, ये सभी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग सॉसेस, जेलीज, जैम्स, रेडी टू कुक वेजिटेबल्स और रेडी टू ईट फूड्स पैकेट्स आदि में किया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव्स फूड को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। पास्चराइजेशन। इस मेथड में दूध या अन्य समान खाद्य पदार्थ को एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, जैसे दूध को 80 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर तुरंत उसे ठंडा कर देते हैं। इससे दूध में मौजूद माइक्रोब्स नष्ट हो जाते हैं और ये लंबे समय तक चलता है। ग्रेट साइंटिस्ट्स। माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्टर ने फूड में माइक्रोबियल ग्रोथ रोकने के लिए टेम्परेचर बढ़ाकर फूड की क्वालिटी को बनाए रखने की तकनीक विकसित की। अडल्टरेशन ऑफ फूड।
अलग-अलग तरह की मिलावटें हमारे स्वास्थ्य पर अलग-अलग तरह से असर डालती हैं। कुछ मिलावट से पेट खराब होता है या फूड पॉइजनिंग भी होती है। इन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खाने से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे और यहाँ तक कि हमको कैंसर भी हो सकता है। फूड इज अडल्टरेटेड इन दिस वे टू। फूड में से कुछ महत्वपूर्ण घटकों को हटाना, जैसे दूध से फैट निकालना या लौंग और इलायची आदि का रस निकालना। फूड के साथ लो क्वालिटी के इनएडिबल या सस्ते मटेरियल मिलाना और यहाँ तक कि फूड अच्छा दिखने के लिए उसमें हानिकारक रंग मिलाए जाते हैं। कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे छोटे पत्थर, बारीक रेत, आयरन फाइलिंग्स, यूरिया, घोड़े का गोबर, सॉडस्ट आदि जैसे मिश्रण मिलाए जाते हैं। क्या आपको पता है, 1954 में पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट पास किया। इसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। 1976 के संशोधन में हानिकारक पदार्थ के साथ मिलावट करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके स्पष्ट निर्देश हैं, जैसे कि फूड को ठीक से स्टोर किया जाना चाहिए, पैकेज मटेरियल से फूड या दवाइयों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और स्टोरेज के इंस्ट्रक्शंस, ये सभी जानकारी स्पष्ट और सच होने चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर, फलों को और अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें कुछ रसायनों का इंजेक्शन लगाया जाता है। दूध विक्रेता दूध में यूरिया मिलाता है ताकि ऐसा लगे कि उसमें फैट की मात्रा अधिक है। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए दुकानदार खाने के पैकेट्स और एयरटाइट कंटेनर की एक्सपायरी डेट बदल देता है। फलों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और कुछ अन्य रसायनों का उपयोग किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में अक्सर हानिकारक रसायन जैसे कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फोरिक एसिड आदि मिलाए जाते हैं। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।